Set your destination, you'll be get your directions. Hello friends, welcome to our question answer sessions. आज हम पांच क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं लाइफ को लेके, करियर को लेके, फाइनेंस को लेके। अगर आपका लाइफ में भी कोई क्वारा है, क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अदरवाइज हमारा कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं, जो चीज़ आपको मदद करेगा लाइफ में सक्सेस को अचीव करने में, ग्रो को अचीव करने में, एंड यू विल बी गेट अ लॉट ऑफ अचीवमेंट इन योर लाइफ। हम लाइफ में सारा चीज़ का एजुकेशन लेते हैं, बट फाइनेंस का एजुकेशन नहीं लेते हैं। अगर आप लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, तो आपको फाइनेंस का भी एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंस रहता है। लेट्स स्टार्ट फॉर द टुडे सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेस्ट हैबिट फॉर सक्सेस? यस, सबसे बेस्ट हैबिट सक्सेस का क्या है? देयर इज द नो सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सक्सेस का ऐसा स्पेसिफिक चीजें नहीं है कि वो चीज आप करने लगेंगे, वो चीज आप हैबिट बना लेंगे, देन यू विल गेट सक्सेस अबाउट इन योर लाइफ। सक्सेस किसको कहा जाता है? कोई भी चीजें आप डिसीजन ले लिए लाइफ में एंड वो चीज को आप अचीव कर लिया, मतलब दैट इज द थिंग्स यू विल बी थिंग्स यू विल गेट सक्सेस अबाउट इन योर लाइफ। आपको सक्सेस मिला है बल्कि यू विल बी फील इट, बट वो चीज ज्यादा पीरियड ऑफ टाइम तक रुकता नहीं। ऐसा हम बहुत सारा चीजें रहता है हमारा लाइफ में, जो चीज ऑलरेडी हमारे पास है उसको हम केयर नहीं करते हैं। बहुत सारा चीज हमको मिल जाता है, वो चीज हम भूल जाते हैं। सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, सक्सेस इज ए डायरेक्शन अबाउट इन योर लाइफ। सक्सेस इज ए जर्नी अबाउट इन योर लाइफ। आपका लाइफ का एक जर्नी होता है और प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को लेके सक्सेस कहा जाता है। सक्सेस एक चीज को लेके नहीं बनता है, सक्सेस सारा चीज को लेके बनता है। सक्सेस इट्स योर गुड हेल्थ। हम मोस्ट ऑफ टाइम सक्सेस को मान लेते हैं अबाउट योर फाइनेंस को लेके। जो चीज आपका कमी रहता है, जो चीज में आप लेस रहता है, उसी को अगर मोस्ट ऑफ प्रायोरिटी रहता है, अगर वो चीज मिल जाता है तो हमको सक्सेस मिल जाए, मिल गया है, उसी तरह का हम फीलिंग्स रहता है हमारा लाइफ में। बट सक्सेस इज ए बैलेंस। हैप्पीनेस चाहिए आपका लाइफ में, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, गुड हेल्थ चाहिए, हैप्पी फैमिली चाहिए, सारा चीज को लेकर सक्सेस क्रिएट होता है। दैट थिंग्स विल बी कैन से अबाउट दैट इज द नो एनी स्पेसिफिक हैबिट। अगर एक स्पेसिफिक चीज है अगर आप करना चाहते हैं, दैट इज योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। खुद खुद के लिए लर्न ले सकते हैं, खुद को पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट कर सकते हैं, एवरीथिंग्स इट विल बी इम्प्रूवमेंट अबाउट इन योर लाइफ। आपको हैप्पीनेस अचीव कर सकते हैं, फाइनेंस को अच्छा बिल्ड कर सकते हैं, फैमिली में बेटर रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, एवरीथिंग दैट इज द लर्निंग अबाउट इन योर लाइफ एंड दैट इज योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। Yes. Next question, how to achieve dreams and ambitions? How to achieve dream and ambition? आपका ambition and dream को आप achieve कैसे करेंगे? First of all, आपको पता होना चाहिए क्या चीज आप achieve करने के लिए जा रहे हैं, क्या आपका goal है, क्या आपका dream है about in your life। हमेशा dream, goal और सारा चीज long term रहता है, short term रहता है, middle term रहता है। अगर आपका लाइफ में क्या गोल है, वो चीज आपको सेट करना चाहिए, उसके लिए आपको क्या क्या एक्शन लेना चाहिए, कब तक क्या एक्शन लेना चाहिए, उसके बारे में आपको प्लान करना चाहिए एंड यू विल बी फाइंड आउट अबाउट इन योर लाइफ व्हाट इज योर टास्क फॉर टुडे। कोई भी चीज आप एक साल में अचीव करना चाहते हैं, बट उसके लिए आज का टास्क क्या है? अगर आपका गोल है आप एग्जाम में 99% मार्क लाना चाहते हैं और 100% मार्क लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आज का टास्क क्या है, वो चीज को फाइंड आउट करना है एंड आज को फॉलो करना है। दैट इज योर हेल्प यू टू अचीव योर गोल अबाउट इन योर लाइफ। मोस्ट ऑफ टाइम क्या रहता है, हमारा एग्जाम जब नजदीक आ जाता है, जब नेक्स्ट डे को एग्जाम रहता है, हम रात भर एजुकेशन करते हैं, दैट इज द नॉट प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस फॉर द एवरीडे यू बी गिव फॉर द 2 hours इन फॉर योर एजुकेशन और 4 hours, 6 hours, व्हाटएवर यू बी डिसीजंस एंड 10 things इट विल हेल्प यू टू गेट अचीव योर गोल अबाउट इन योर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ सेटिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स? व्हाट आर द सम एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ गोल इन रियल लाइफ? यस, व्हाट आर द सेट अप ऑफ द लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल। उसके लिए बताया जाता है ऑलवेज सेट ए बिग गोल अबाउट इन योर लाइफ एंड यू विल बी अचीव, डेफिनेटली यू कैन अचीव स्मॉल थिंग्स अबाउट इन योर लाइफ। हमेशा बड़ा गोल को सेट करें एंड उसको छोटा छोटा डिवाइड करें। आपको एक गोल को सेट करना है एंड वो चीज बड़ा गोल होना चाहिए एंड उसको डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट ना होंगे लाइफ में एंड डिस्ट्रैक्ट नहीं आएगा आपका लाइफ में, वो चीज आपका मदद करेगा लाइफ में बड़ा गोल भी अचीव करने के लिए एंड छोटा गोल अपने आप अचीव
होते जाएगा। बड़ा गोल एक दिन में अचीव नहीं होता है। लाइफ में आप मिलियनरी बिलियनरी सक्सेस एक दिन में नहीं बन जाएंगे, उसके लिए टाइम टेकिंग का जरूरत रहता है। बट वो टाइम टेकिंग का प्रोसेस आपको फॉलो करना जरूरी है एंड उसको कंसिस्टेंसी रखना बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ में। एंड अगर जब उसको कंसिस्टेंसी के साथ रहेंगे डेफिनेटली इट विल बी हेल्प यू। छोटा छोटा गोल बहुत सारा, उसका बेनिफिट क्या है? छोटा छोटा आप डे का एक्टिविटी आप फॉलो करते हैं उसको क्या रहता है, वो छोटा छोटा गोल रहता है। बट उसको स्पेसिफिक टाइम निकल के आप एक चीज को फॉलो करते हैं। आज आप एजुकेशन ले रहे हैं कि आपका वो गोल आज का गोल है, आप 10 साल के बाद क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, ओएस बनना चाहते हैं, दैट इज योर गोल अबाउट इन योर लाइफ। बट एक्शन आज आपको ले रहे हैं एंड आपका टारगेट है आपका एग्जाम को अच्छा मार्क के साथ आपको क्वालिफाई करना है, दैट इज बट आज का एक्शन ले रहे हैं, दैट इज योर स्मॉल स्मॉल गोल अबाउट इन योर लाइफ। आज के लिए एजुकेशन क्या है, 1 step it will be pass, 2 step pass, 13 years, 15 years, 20 years आप जाएंगे, then you'll be probability of chances you'll be get it, IAS, OAS or whatever you have goal about in your life, that is the process। and उसका benefit क्या होता है short term goal का, you'll be use your time on the proper way and you'll be get your proper result about in your life। yes, what is the next one? next question, is it better to focus on quality or quantity when pursuing success? yes, which one is better about in your life, quality ka importance hai na quantity ka importance hai, and how it will be help you to achieve your success about in your life? first of all, quality kaise aata hai and quantity kya hota hai, quantity amount, jo cheez amount bataya jata hai, and quality kya rehta hai, acha sa cheeze karna, ठीक है। बट अच्छा अच्छा चीजें तभी आ पाएगा आपका लाइफ में, व्हेनेवर इट विल बी मेक इट द क्वांटिटी, जब आप क्वांटिटी के चीजें में करने जाएंगे, जब मोस्ट सारा चीज प्रैक्टिस जो बताया जाता है, प्रैक्टिस सही प्रैक्टिस करना है, सही दिशा में प्रैक्टिस करना है, एंड अगर आप उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, क्वालिटी आपका अपने आप आ जाएगा। बट दैट इज द थिंग्स, क्वांटिटी का भी जरूरत रहता है एंड क्वालिटी का भी जरूरत रहता है। अगर आप क्वालिटी को फोकस करेंगे, मोस्ट ऑफ टाइम क्या रहता है हमारे लाइफ में, हमेशा हम अच्छा चाहते हैं बट शुरू ही नहीं कर पाते हैं लाइफ में, जिंदगी में कभी क्वालिटी नहीं आएगा। अगर आप शुरू ही ना करेंगे, आप गलत ही नहीं करेंगे, रॉन्ग चीजें नहीं करेंगे, तो आपका सही चीजें कहाँ से आएगा,